आज हम आईपी स्पूफिंग का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले हमें एक छोटा सा सिनेरियो समझना पड़ेगा, और वो सिनेरियो ये है कि अगर सपोज पार्टनर को विक्टिम के साथ कम्युनिकेट करना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल पार्टनर को विक्टिम को एक पैकेट सेंड करना है और वो पार्टनर विक्टिम को पैकेट सेंड कर भी देता है, तो इस केस में वो जो पैकेट होगा उस पैकेट के ऊपर सोर्स एड्रेस पार्टनर का होगा और डेस्टिनेशन एड्रेस विक्टिम का होगा। सिंपल एज दैट। अब हम ये समझते हैं कि आईपी स्पूफिंग के अंदर क्या होता है। आईपी स्पूफिंग के अंदर इस सिनेरियो के अंदर एक अटैकर भी आ जाता है। अब ये अटैकर क्या करता है, ये अटैकर इस पार्टनर को इम्परसोनेट करता है। इम्परसोनेट का मतलब क्या होता है, इम्परसोनेट का मतलब ये होता है कि ये अटैकर प्रिटेंड करता है, मतलब नाटक करता है, ये दिखाता है बस कि अटैकर ही पार्टनर है, बट इन रियलिटी अटैकर अटैकर है, वो बस दिखाता है कि वो पार्टनर है, राइट? अब वो ये कैसे करता है, अब देखो होता क्या है, अटैकर जो है वो एक पैकेट विक्टिम को सेंड करता है। अब इस पैकेट को हम कहते हैं आईपी स्पूफ पैकेट। और ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर सपोज अटैकर एक पैकेट विक्टिम को सेंड करता है तो उस पैकेट के ऊपर सोर्स एड्रेस अटैकर का होना चाहिए और डेस्टिनेशन एड्रेस विक्टिम का होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। अटैकर जो है वो उस पैकेट को मैनिपुलेट करता है, और क्योंकि अटैकर ने पार्टनर को इम्परसोनेट किया है इसीलिए उस पैकेट के ऊपर सोर्स एड्रेस पार्टनर का होता है और डेस्टिनेशन एड्रेस विक्टिम का होता है। और ये पैकेट जब विक्टिम को मिलता है तब, क्योंकि उस पैकेट के ऊपर सोर्स एड्रेस तो पार्टनर का है और डेस्टिनेशन एड्रेस विक्टिम का है, इसलिए विक्टिम को ये लगता है कि वो जो पैकेट है वो पार्टनर ने सेंड किया है, बट इन रियलिटी वो जो पैकेट है वो अटैकर सेंड करता है। विक्टिम को बस ऐसे लगता है कि वो पैकेट पार्टनर के द्वारा आया हुआ पैकेट है, ओके? तो इस चीज़ को कहा जाता है आईपी स्पूफिंग। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।